भीमाल। आज प्रस्तुत है कश्मीरी लोक कथा पर आधारित श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक हीमाल। हुआ क्या? होना क्या है, इस घर में कुछ नहीं होगा। कौन आया? मैं और मेरा भूत। और कौन? हाय क्या गोम, किस शिकस्लत घर में मुझे ब्याह दिया। अरे किस औलसी बुड्ढे के साथ बांध दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। भवानी भवानी क्यों चिल्ला रही हो? अरे ऐसा क्या हो गया जो रूखी सूखी है घर में? अरे दरिद्र, रूखी सूखी भी नहीं है, एक मुट्ठी सत्तू है, बस ले ले। अरे अरे ये क्या कर रही हो भवानी? बर्तन क्यों फेंक रही हो? देख लो पंडित जी, देख लो सारे बर्तन, देख लो घर में गिनती के 5 बर्तन हैं, सब खाली हैं, हांडी मटका सब खाली। अरे कंगाली जैसी कंगाली, पिछले 8 दिन से दोनों बखत चावल का चूरा पका रहे हैं, किसी तरह भात का लौंदा नमक मिर्च के साथ सटक रहे हैं। अरे भवानी, नमक और लाल मिर्च की चटनी तुम बहुत अच्छी बनाती हो। हद है, ढीठ हो तो ऐसा। अरे राधा किशन की माँ ने धान कुटवाया था, जो चूरा बचा 2-4 सेर भिजवा दिया, उसी की लेई उबाल रही हूँ, नहीं तो कई दिन से फाका है। भगवान चाहेगा तो कोई और घर पर कुछ दे जाएगा। हाथ तक इसी तरह चला है ना भवानी, और भी चलाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो। क्यों, तुम लंगड़े लूले हो? हा? मरीज हो? क्या हुआ है जो तुम दया की भीख पर ही गुजारा करोगे? भवानी, कोई तुम्हारी दरिद्र चौखट पर भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर दाने डाल जाए। अरे तो और क्या करूं, वेद शास्त्र मैंने पढ़े नहीं, बाबा मुझे पंडिताई सिखा नहीं सके, माँ ने मेहनत करने नहीं। हाय हाय, सत्यानाश तो तुम्हारी माँ ने ही किया है, बिन बाप का धींगड़ा। क्या लाड प्यार से बिगाड़ दिया। अरे पंडिताई नहीं सीखी, शास्त्र नहीं पढ़े, तो क्या कोई और काम नहीं बचा? खेती क्यारी सब बेच कर खा गए, जो चीज वस्तु घर में थी माँ गिरवी रखती गई। देखो देखो देखो, मेरी माँ का नाम मत लेना। क्या कर लोगे है? क्या कर लोगे? लूंगी और 10 दफे लूंगी। देखो भवानी, ना वो घर घर भीख मांगती, ना तुम्हें पड़े पड़े खाने की आदत पड़ती। अरे भवानी, कुल गुरु की ब्राह्मणी सीधा या भोजन सामग्री यजमानों से मांगे तो उसे भीख नहीं कहते। हाँ ठीक है, उठो उठो फिर। हा? निकलो निकलो इस कमरे से, निकलो। अरे सूरज सिर पर चढ़ाया है, उठाओ थैला, चलो लगाओ चक्कर सब यजमानों के घर। घर में कुछ दान दक्षिणा आएगी तो चूल्हा जलेगा, नहीं तो अनशन भूख हड़ताल चूल्हा चौका बंद। उठो उठो, क्या हो रही है? ओहो, कितनी अच्छी मीठी नींद सो रहा था, राम सिर चकरा रहा है। अरे मुट्ठी भर अनाज के लिए पंडित बालक राम रैना के प्रपौत्र, पंडित जनार्दन रैना के पुत्र, पंडित सिद्धराम का इतना अनादर। उठो जाकर अनाज पानी का इंतजाम करो। अरे शर्म ना हया, आलस ने जकड़ लिया तुम्हें। इससे तो किसी मजदूर किसान से शादी हुई होती तो भर पेट खाती और तन पर ये घिसे पिटे चिथड़े ना होते। आए आए, मेरे पिता ने किस जन्म की दुश्मनी निकाली मुझसे। अरे घर में भूतों के सिवा कुछ नहीं, भूत भी डरते होंगे यहाँ आने से। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं तुझे धान चावल में गाड़ दूंगा। अरे नए कपड़ों में गठड़ी बनाकर बांध दूंगा। हाँ। भवानी तू ब्रह्म तेज नहीं जानती। अरे जाओ जाओ, एक बच्चे का मुंह तक देखने को तरस गई, तुम क्या दोगे मुझे? अपने लिए 2 और भात का इंतजाम कर लो तो मानू। लो थैला, चलो उठा और जाओ। और सुनो, खाली हाथ वापस नहीं आना, मैं तुम्हारी माँ की तरह भीख नहीं मांगूंगी घर घर जाकर, तुमसे मेहनत करवा कर ही रहूंगी। चलो उठो जाओ, चलो। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, हाँ बाहरी किसी कुएं तालाब पर स्नान ध्यान कर लूंगा, अब इस झगड़े को मिटा कर ही रहूंगा, समझी? कुछ करके ही दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, देखती हूँ क्या करते हो। थैले में सत्तू रखा है, खा लेना। और सुनो, कुछ ना कुछ सामान लेकर ही आना। हाँ हाँ हाँ, लेकर ही आऊंगा सामान तेरे लिए। ब्र,
बापर जी, आज सुबह सुबह काफी दूर निकला है। हाँ भाई, सोचा खुली हवा में थोड़ा घूमाऊं, आसपास कोई झरना दिखेगा तो वहीं हाथ मुंह धो लूंगा। पास ये चश्मा है जी, नार चश्मा, बड़ा चिनार के पास। अच्छा, पानी साफ है। चलो पर जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अरे मुझसे तो ये पकड़ियां ही अच्छी, आजाद तो हैं, उन्हें थैला लेकर भिक्षा दक्षिणा के लिए घर घर तो नहीं घूमना पड़ता। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं किसी के घर। घर में जो दान दक्षिणा दे जाए वही काफी है, रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी। हाँ, ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बेटा, कुछ तो कह रहे हो जोर जोर से। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अरे माँ जी, रो रहा था अपने कर्मों को, सुबह से ना नहाया ना खाया। हाय क्या गो, ले पुत्रा पानी ले ले, अभी अभी ताजा भरा है कल सा। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे तुम्हें देखकर तो अपनी माँ याद आ गई। हाय बलाए लगे, अपनी झगड़ालू बीवी की डांट सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अगर कौर दो कौर खाना दे भी देती है ना तो 10 तारे देकर। त्राह त्राह त्राह, जिगर पालन ले, दो मुंह ये फेरन की जेब में 2 सेब हैं, एक तो अखरोट भी है, आराम से बैठ के खा लेना। नहीं बस बस बस, मेरे पास एक मुट्ठी सत्तू भी है। हता खा ले खा ले, मेन द्रीच है, बाबा जी ने दिए हैं। अच्छा, वो ऊपर पहाड़ी है ना। हाँ? उसी पर उनका आश्रम है। ओ, इस नाग चश्मे का पानी तो अमृत है। अच्छा अब चलूं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जीता रहे बेटा, भगवान तुझे सुख और शांति दे। भगवती दीनय आय। घास कैसी मुलायम और हरी, घने चिनार की दूर दूर तक छांव है। अरे नाग चश्मे का पानी कैसा साफ है, शीशे सा चमक रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना थोड़ा सुस्ता लूं। हाँ, सुस्ता ही लूं। मैं कहाँ हूँ? ओफो, अभी यही नाग चश्मे के पास। ठंड सी हो गई है और वो धूप भी उतर रही है। चल भाई सिद्धराम, घर दूर है, उठ चल, नहीं तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, ताने तुनके, कलेजा खा जाएगी मेरा। मुझे तो उस बूढ़ी अम्मा के साथ बाबा जी के आश्रम में ही चले जाना चाहिए था। नहीं नहीं, मगर वहां कौन सा चैन होगा, 50 काम करवाएंगे। अपना खाली थैला उठा भाई। ये तो कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा है। अरे बाप रे, इसमें तो कुछ गिलगिला सा रंग रहा है, कहीं सांप तो नहीं घुस गया? सांप ही लगता है। परंतु ब्राह्मण के झोले में सांप, सिद्धराम बस यही मौका है रात दिन की चू चू किल किल खत्म करने का। सांप पकड़ा दो ब्राह्मणी को झोले में, बस खा जाएगा उस राक्षसी को। प्रभु ने मेरी मुक्ति के लिए ही सर्प रूप धारण किया है। अब लूंगा बदला इतने वर्षों के अपमान का। चल पंडित सिद्धराम, चल घर चल। अरे शिकस्लर,
पंडित जी। अरे बुधराम तेरा सत्यानाश हो, तूने तो कहा पंडित जी शहर छोड़कर चले गए, मैंने सोचा आखिर शर्मा आ ही गई, कुछ कमा धमा कर लाएंगे जरूर। ये तो वापस आ गए मुंह लटका है। अरे बा अभी तो घबरा रही थी, कहीं आप शहर में तो छोड़ गए, मुझे झूठा बता रही थी। लो भाभी अभी ने देख के भी खुश नहीं है। आ गए पंडित महाराज, कर आए जशमानी। बिल्कुल थैला तो कुछ खाली नजर आ रहा है, लगता है उपवास ही करना पड़ेगा फिर। भवानी थैला खाली नहीं है। अच्छा खास चीज लाया हूँ खास। हाँ अंदर कोठरी में जाकर खोलना, आंखें चौंधी आ जाएंगी। हाँ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तमाशा लगाया गया यहाँ, चलो अपने अपने घर जाओ। चलो चलो अपना रास्ता ना, चलो भाई चलो रास्ता ना अपना। अरे जाओ। अच्छा अब मैं जरा देखती हूँ क्या लाए हो। जो भी है तेरे लिए है। अच्छा कोठरी में जा, हाँ यहाँ तमाशा मत कर। हाँ हाँ जाकर देखती हूँ क्या लाए हो थैले में भर के। मुझे क्षमा करना प्रभु, ये काका काका प्रभु मुझे क्षमा करना प्रभु। काका आपको क्या हुआ, काका इतना घबराए हुए क्यों हो? वो अरे आपने काकी को बंद क्यों कर दिया? ये लो लस्सी पकड़ो, ये लो मैं खोलता हूँ। काकी मुखी कड़वी जरूर है काका, पर दिल की बुरी नहीं है। आप गए थे ना तो काफी घबराई हुई थी। नारायण हे रघुनाथ। स्वामी 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 मेरे नाथ मेरे देवता मुझे क्षमा करो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आपने मुझ बेकार की झोली भर दी। काका कहाँ से लाए इतना सुंदर लड़का, इतना प्यारा बच्चा। देखो तो सही कैसे मोती से दांत चमका रहा है, बिल्कुल बाल को बाल की तरह। मैं अम्मा को बताता हूँ। हाँ भवानी। नाथ 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 मैंने अनजाने में जो कुछ भी अभी कड़वा कहा उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती थी आप इतने इतने पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। हे प्रभु हे प्रभु, आपने मुझ पापी की लाश रख ली, मेरा झोपड़ा खुशियों से भर दिया, अब मैं आपके नाम संकीर्तन में ही समय बिताऊंगा। देखो काका काका इसके कान के पास से खून निकल रहा है, जैसे किसी चील ने चोंच मारी हो। चोंच? हाँ अच्छा अच्छा तो भी मैं अभी दवा लगाती हूँ। भाभी मैं लेके आती हूँ। भवानी भवानी मैं इस बंद कांगड़ी में जलाकर अभी इसकी नजर उतारती हूँ। और सुन गाय का ताजा दूध रखा है मैं अभी लाई। देखा जी कैसा मोह लिया है सबको, धान कुटवाया है, शाम तक चावल का बोरा पहुँचा दूंगा। ये लो भाभी हार देखो, सब्जी की चिंता ना करना। जय हो पंडित जी महाराज, जय हो पंडित जी महाराज। मुझे क्या पता था कि चिनार बाग में नाग चश्मे के पास योग साधना के लिए गए, तो कंबल लाया हूँ पंडित जी। आपकी बहू ने घर की ऊन से बनाया, अपने हाथ से बनाया, स्वीकार करो पंडित जी। अरे भाई हाँ बड़ी कृपा है आप लोगों की, भगवान आप सबको सुखी रखे। भवानी भवानी ये लो दवा, इसके कान पर लगा लो। अच्छा अच्छा ये जरूर कोई नाग देता है। हे नागराज हे नागराज आप अब हमें छोड़कर मत जाइएगा। देखिए ना भवानी को कितना सुख मिला है, वात्सल्य रस से उसका कर्कश स्वभाव धुल गया है। सुनो जी हाँ? इसका नाम भी तो सुझा दो। नाम हाँ? आप भाई देखो इसने मुझे नाग चश्मे के पास दर्शन दिए ना हाँ? तो इसीलिए इसका नाम नागराय रखेंगे। हाँ? हाँ? नागराय भवानी, ओ भवानी भाई ले आओ ना नागराय को, नहाया नहीं अभी क्या, आरती करेंगे। आ रही हूँ। ये नागराय मेरा कहना नहीं मानता, जरा आकर देखो तो नहाने में कितना समय लगाता है, सारे घड़े खाली कर दिए हैं। अच्छा पानी से तो निकलना ही नहीं।
चाहता। काका मैं लेकर आता हूँ बदमाश को। हाँ राधा किशन बेटा तू ही चाह, तू ही लेके आओ उसे। इतना बड़ा हो गया है मगर अभी तक बाल हट नहीं गया। रहने दो जी, बस एक नहाने का ही हट तो करता है, और तो कभी किसी चीज के लिए तंग नहीं किया मेरे बेटे ने। हाँ, बस नहाना और दूध पीना ये दो शौक है इनके। हमारी काली गाय का तो आधा दूध यही पी जाता है। अरे 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 राधा बेटे, पी लेने दे, पी लेने दे, और कुछ तो खाता नहीं। और क्या, जब से पंडित जी के घर आया है हमारे घर भी दूध दही की कमी नहीं। प्रणाम चाची। प्रणाम पिताजी। दूध पी लूं? ठहर जा ठहर जा। इधर तिलक लगवा। ऐसे पहले आरती करेंगे फिर दूध पीना, नचखच कहीं का। अच्छा पिताजी, फिर मैं राधा किशन भैया के साथ घूमने जाऊं? लेकिन बेटा दूर मत जाना। अच्छा माँ। नटखट। अरे नागराय। अरे बाबी, अब तो नागराय बड़ा हो गया। देखो कुछ ही सालों में हमारे राधा किशन से भी बड़ा हो गया। जैसे एक एक साल में चार चार साल बड़ा हुआ हो। चल हट, नजर मत लगा देना मेरे बेटे को। बस बस, अपनों की भी नजर लग जाती है। और क्या, आइए आइए सब लोग, पहले आरती करें। हाँ, आज शिवरात्रि का शुभ पर्व है। हाँ पंडित काका, सारे शहर में धूम मची हुई है। राजभवन में तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा? फल मिठाई के टोकरे जा रहे हैं। वो गणपत है ना, और उसकी माँ दोनों फल और सब्जी लेकर बुद्ध राम के साथ राजभवन जा रहे हैं। अच्छा? काका मैं और नागराय भी जाएं क्या? अब नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजभवन नहीं, नहीं वहाँ नहीं। अरे चले जाना चले जाना, पहले आरती तो संपन्न कर लो। आइए। जा रहे हो हाथ छुड़ाकर? राधा किशन भैया, मुझे पानी की महक आ रही है। कहीं पास में तालाब है? भैया पानी में जी भर नहाने को तड़प रहा हूं मैं। ओहो, अरे बुद्धू, पकवान खाएंगे, नाच देखेंगे। अरे तुम्हें नहाने की पड़ी है? भैया मैं तो चला। अरे भैया, ओ तुम्हारे घर आके दूध पी लूंगा। है? तो पकवान तू खा लेना, मैं जा रहा हूं। अरे नागराय, अरे नागराय सुन तो। ओहो कैसा पागल है, मुझे फूट आई है, अभी भी बस दूध का शौक है। कहीं भीड़ में खो गया तो काकी को क्या जवाब दूंगा? परमानंद की अनुभूति, यही तो स्वर्ग है। सुवासित जल सरोवर, लगता है युग बीत गए। तरस गया था जलमग्न होने को। है? अरे बाप रे, लगता है कोई आ रहा है। सांप देखते ही लोग लाठी भाला उठा लेते हैं। मैं झाड़ी में छिपकर अपना मनुष्य रूप धारण कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ। यहाँ सांप कहाँ? राजकुमारी जी, इतनी भीड़ राजभवन के बाहर से उमड़ रही है, किसी के साथ आ गया होगा। हरी शिवरात्रि का शुभ दिन है, सर तो भोलेनाथ के गले का हार है। क्या हुआ राजकुमारी हिमाल? देखिए तो झाड़ी के पास एक युवक खड़ा है। युवक? अरे युवक, यहाँ हमारे उद्यान में तुम किसकी आज्ञा से आए? जी वो स्नान की तीव्र इच्छा यहाँ खींच लाई राजकुमारी। आपके राजप्रसाद की बहुत प्रशंसा सुनी थी। क्षमा करें, अब ऐसी धृष्टता कभी नहीं होगी। कहां से आए हो? परदेसी हो क्या? आपकी प्रजा हूं राजकुमारी, यहां पास के कस्बे में रहता हूं।
पंडित सिद्धराम के घर में। हाँ क्या दें, चलता हूं अब। हाँ जाने से पहले आज्ञा दें तो कुछ कहूं? हाँ हाँ कहो, क्या सफाई देनी है? आपका राजप्रसाद, उद्यान, ये कमल सरोवर बहुत सुंदर है, जितना सुना था उससे भी कुछ ज्यादा। पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो यही है, राजकुमारी हेमाल। कहाँ गया वो युवक? स्वप्न की तरह ओझल हो गया। जो भी था राजकुमारी जी, लेकिन था बहुत विचित्र। कोई नाग, किन्नर या गंधर्व तो नहीं? जो भी था, हमारी राजकुमारी का दिल जीत गया। ये मजाक नहीं अंबरजल, हंसी की बात नहीं। मुझे तो लगता है कोई जादूगर था, मेरे तो मन प्राण ले गया अपने साथ। इतना सुदर्शन पुरुष न कभी देखा न सुना। ताजे गुलाब सरंग, रेशम से बाल, नील कमल सी आंखें, वनराज सी चाल, ब्राह्मण का पुत्र। अच्छा ही हुआ सुयोगी पर स्वयं पधार गई हमारी राजकुमारी के लिए। महाराज को स्वयं वह नहीं करना पड़ेगा। है ना ये मर्दा? अरे वनमाला, राजकुमारी जी उदास है। चलो महल में चलते हैं, महारानी जी को बताते हैं। नहीं नहीं अंबर सर, आप घबराइए नहीं राजकुमारी जी। कस्बे से पंडित सिद्धराम के सुपुत्र को बुलाया जाएगा और आपके सामने हाजिर किया जाएगा। है ना अंबर सर? सुनो तो वनमाला। महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री। महाराज आपकी आज्ञा अनुसार पंडित सिद्धराम, उनकी पत्नी भवानी और उनके सुपुत्र नागराय यहाँ राजभवन में उपस्थित हैं। प्रणाम पंडित सिद्धराम जी। आयुष्मान हो महाराज, आपका यश और कीर्ति तीनों लोकों में फैले। धन्यवाद पंडित जी, आपको यहाँ आने का कष्ट या प्रयोजन तो आप जान ही गए हैं। आशा है आपको और पंडितानी जी को हमारी पुत्री राजकुमारी हिमाल और आपके सुपुत्र चिरंजीव नागराय के विवाह में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं महाराज? कहां आकाश में प्रकाशमान सूर्य, कहां करीब की दीवार पर टिमटिमाता दिया। आपकी प्रजा हैं हम महाराज। आपने ये सम्मान देकर मुझ दरिद्र ब्राह्मण के साधारण पुत्र को राजकुमारी हिमाल की योग्य मानकर हमें अमूल्य वरदान दिया है। हमारे राज्य में न कोई छोटा है न बड़ा, ऊंचा न नीचा, सब बराबर है जी। हमारी एक ही बेटी है, इसे हम अपनी आंखों से दूर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ इनका नया महल बनवा दिया है। लेकिन महाराज मुझ गरीब का भी बस यही एक पुत्र है, मैं इसके बिना जी नहीं सकूंगी महाराज। आप चिंता न करें, आपके लिए राजद्वार खुले हैं और जब चाहें आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। इनके दो घर रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। महाराज की जय। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की। महाराज की जय हो। महाराज की जय। हिमाल, ये तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? चिनार वन में। मगर क्यों? अब राजप्रासाद के चारों ओर वन उपवन, नाना रंगी वाटिकाएं हैं, फिर शहर से दूर ये चिनार वन है क्यों? उतरिए स्वामी, आइए आइए ना। हिमाल बात क्या है, यहाँ नाग चश्मे की ओर क्यों? नाग चश्मे पर ही चलना है। कल एक भयानक औरत आई थी, उसने आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही हैं। मैं तड़प रही हूँ तब से, मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी, पर
पर मेरी मानसिक शांति के लिए आप इस चश्मे के पानी में खड़े होकर कसम खाइए कि आप पंडित सिद्धराम के वंशज पुत्र हैं, कोई नाग किन्नर नहीं। आइए ना, आइए। हिमान, हे प्रभु, मेरी नियति मुझे वापस यहाँ खींच लाई, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आइए ना स्वामी। देखो हिमाल, तुम पछताओगे। हिमाल, ये क्या करवा रही हो हिमाल? स्वामी, विवाह बंधन है एक विश्वास का, अटूट विश्वास का। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी, प्रतिछाया। आपके बारे में कोई कुछ कहे मैं सह नहीं पाऊंगी। आइए ना स्वामी, खाइए ना सौगन। नागिन क्षमा नहीं करती। तैयार हो? जीने, जीने। रिमाल का शव चिनार वृक्ष के नीचे फेंक दे। शील कहुओं के भोजन के लिए। कमंडल भर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हरिओ हरिओ। रूनी माँ जी महाराज, कन्या के मुख में इस जड़ी का रस टपकाओ महाराज। एक एक बूंद महेश्वर कल्याण करेंगे जी महाराज। स्वामी जी, स्वामी जी, कन्या होश में आ गई। स्वामी जी, अरे चमत्कार, अरे अरे, ये क्या है? ये नाग कहाँ से आ गया? इसी ने काटा होगा। मारो, 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 नहीं, नहीं, देखो, ये मनुष्य रूप धारण कर रहा है। नाग मनुष्य रूप में? हाँ, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो। स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। अरे ओ, मैं किसी शाप वश दो आकारों में बटा हुआ हूँ। मैंने हिमाल को मन प्राण से प्यार किया है। स्वामी जी, हमारी आत्माएं एक हो चुकी हैं। मैं नागराज की प्रतिछाया हूँ, मुझे मर जाने दो। मेरी इकलौती बच्ची स्वामी जी, मेरे वंश को बचाइए। हिमाल, स्वामी जी, नागराज को मैंने पुत्रवत पाला है, मेरे बच्चे को बचाइए स्वामी जी। इस नाग पुत्र ने आकर मेरी झोली प्यार और ममता से भर दी। हम पूरे दरिद्रों की दुनिया आबाद की, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। स्वामी जी, दया करो, कुछ कीजिए महाराज। इसके करने वाला तो वही है, सर्वशक्तिमान प्रभु, वही हमारा पालक और संरक्षक है। प्रार्थना करो सब मिलकर। हरिओ नागराय जी, स्वामी पूर्ण मनुष्य रूप में जी। स्वामी जी, हरिओ हरिओ हरिओ। उठो हिमाल, पूर्ण स्वस्थ स्त्री रूप में। हिमाल, अभी आप कश्मीरी लोक कथा पर आधारित श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, संगीतकार राजबिहारी दत्त, प्रस्तुति सहयोगी महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री योगेंद्र टिक्कू, मनोज भटनागर, प्रेमती आनंद, हेमेंद्र नाथ, डीपी श्रीवास्तव, राजीव अरोड़ा, सुरेंद्र सागर, पवन कौशिक, आभा मित्तल, मीना वैभव, लालिमा अनेजा, अदिति अग्रवाल, अंजलि, फ्लोरा बोस, अर्चना, नेहा बिरदी, वीना खन्ना, सुचित्रा गुप्ता और प्रतिभा शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।